नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश चौहान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं वनस्पति के एक ऐसे पौधे के बारे में जिसका नाम है लिपिया एल्बा। इसको हम लोग बॉटनिकल भाषा में लिपिया एल्बा के नाम से जानते हैं। ये वर्वेना परिवार यानी वर्वेंसी परिवार का ही एक हिस्सा है। इसका पर्यायवाची जिसको कि लैटाना लैटाना एल्बा क्यूनटोफोलिया लिपिया ओबिवेटा भी बुलाया था इसको। सामान्य नाम से हम लोग इसे बुश लिपिया बुश मेट घास के नाम से भी जान सकते हैं। क्योंकि हम लोग गांव देहात में रहते हैं तो इस पौधे को देखते हैं और इसको हम जो भी मनगढ़ंत नाम दे देते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से जान जाइए कि इसको हम लोग बूट मैट घास के भी नाम से जान सकते हैं। क्योंकि अमेरिका का जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा होता है ये, अब हमारे भारत देश में भी ज़्यादा मात्रा में एशिया में मिलने लगा है। तो हम इसके फ़ायदे के बारे में बताएं कि ये अमेरिका में किस प्रकार यूज किया जाता है इसको। तो आपको बता दें कि लिपिया एल्बा के पत्तों से बनी चाय मध्य अमेरिका का एक पसंदीदा घरेलू उपचार है। यानी कि इसकी जो है पत्ते से चाय बना के अमेरिका वाले बहुत ही अच्छे तरीके से इसको चाय की पत्ती की तरह पीते हैं। इसके उपचार में जैसे कि आपको इन्फ्लुएंजा हो गया या तो कोई गड़बड़ी है तो उसमें ये बहुत ही लाभकारी होता है, इसलिए इसका चाय बहुत ही फायदेमंद होता है। अब हम आपको बता दें कि दिल की समस्या से राहत पाने के लिए और टैचिकार्डिया को शांत करने के लिए एक अच्छी तरह से शक्कर युक्त जल सेक पिया जाता है। यानी कि इसका एक जल सेक बनाया जाता है इसके पत्तों का, जिससे कि टैचिकार्डिया को शांत करने में बहुत ही फायदा मिलता है। अब हम आपको बता दें कि बाहरी रूप से जो एक प्रयुक्त सुगंधित पत्तियों का उपयोग हर्बल स्नान में किया जाता है। यानी कि जो इसकी पत्तियाँ हैं ये बहुत ही फायदेमंद होती हैं। अगर इसकी पत्ती से अगर हम लोग स्नान करते हैं तो हमारे शरीर में जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो सही हो जाते हैं। यानी कि जो लोग फंगल इन्फेक्शन के कारण परेशान रहते हैं, अगर इसके पत्तियों के थ्रू जो अगर नहाते हैं तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है ये चीज़। अब हम आपको बता दें कि अगर गंभीर पेट दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, बुखार आ रहा है, और तो उसमें भी इसके पत्तियों का यूज किया जाता है। और हमारे मूत्राशय को भी ये ठीक करने का, यानी कि मूत्राशय को भी साफ करने का कार्य करता है इसकी पत्तियाँ। अगर इसकी पत्तियों का अगर आप चाय बना के पीते हैं तो ये जो है कि बहुत ही फायदेमंद होता है आपके मूत्राशय के लिए भी और गंभीर पेट दर्द के लिए भी और बुखार के लिए भी। तो दोस्तों वीडियो भी इतना ही था। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो है नए यूजर मेरा चैनल देख रहे होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।